शरारती क्लास है 12 दिसंबर। बाबा बच्चे कहते हैं और किसको माइयां कहते हैं, जरूर कुछ तो फर्क होगा। माई कौन है और बच्चा कौन है, कोई की सर्विस से खुशबू आती है, और कोई तो जैसे आप कहें। ये तो बाप ने समझाया है कि तुम जैसे हमारे साथ आए हो ऊपर से, बाप भी आए हैं विश्व को मालिक बनाने के लिए। तो विश्व का तुम मालिक बनते हो, तुम्हारा भी एक कर्तव्य है कि औरों को मालिक बनाओ। बाप के साथ ही बनो, वहां से जो पहले आते हैं वो तो जरूर ही खुशबू देते होंगे। खुशबू देने वाली क्यों होंगी, खुशबू माना दिव्य गुणों की खुशबू, क्योंकि वो आत्माएं ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। पूरे 5000 वर्ष का चक्र लगाती है तो विशेष अनुभवी होती है। बगीचे में भेंट की जाती है, कौन कौन ओल्ड इज गोल्ड है, जैसे सर्विस है वैसा उनका खुशबूदार फूल। विवेक युक्त अनुभवों से भरी हुई सर्विस करते हैं ना, विवेक भी कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया तो जरूर ये हकदार बनेगा। विश्व के मालिक बने का हकदार जरूर बनेगा, तो वो खुशबू भी आनी चाहिए। हकदार है तब तो बाप आकर नमस्ते करते हैं, विश्व के मालिक उनको नमस्ते करेंगे ना। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो परंतु फड़ाई में फर्क बहुत रहता है, और ये होना भी जरूर है। बच्चों को तो निश्चय हो जाता है कि ये बाबा है, और बाबा का समझाया हुआ चक्र भी बुद्धि में आ जाता है,
तो बाप कहते हैं कि और जास्ती क्या पढ़ावे। बाप के बिगर और कोई भी सुदर्शन चक्रधारी बनाए नहीं सकता। और कोई क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि और सब है जन्म मरण के चक्र में आने वाले। एक बाप ही है ऐसा तुरीय जो इस सृष्टि पर आकर जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, चक्कर में नहीं आता, तो उनकी बुद्धि भी चक्रित नहीं होती। कुछ भी भूलते नहीं है, सारा चक्र उनकी बुद्धि में सदैव रहता ही। ज्ञान का सागर है, आकर के तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते। तुम्हारी आत्मा के 84 जन्मों के चक्र को तुम्हारे सामने क्लियर करते और तुम बच्चे बनते भी हो इशारे से। जो कल पहले बने हैं वो ही बनते। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितना अत्याचार होता है, कितने तो डरते हैं। इसके द्वारा बाप गीता भी सुनाते हैं, उनको भी गालियां देते हैं। परंतु उनको गाली तो लगती नहीं। बाप कहते हैं कि जब बहुत गाली देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार कह देते हैं, कण कण में व्यापक कह देते हैं, कण कण जैसी नाचीज जड़त्वमयी आत्माओं में व्यापी बनाई देते, तब मैं आता हूं। न जानने के कारण बाप पर और तुम्हारे ऊपर कितने कलंक लगाए। कितने बच्चे माथा भी मारते हैं, पढ़ाई में कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं और साहूकार होने के बाद कितना और कमाते रहते हैं। कोई कमा हुआ ऐसे भी होते हैं कि एक ऑपरेशन में 2-2, 4-4 हजार मिल जाते हैं और कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। तो पढ़ाई पढ़ने वालों में फर्क हो जाता है ना। ये तो बाप की पढ़ाई है, दुनिया भी पढ़ाई तो एक जन्म के लिए होती है। यहाँ तो कोई जन्म जन्मांतर के बादशाह बन जाते। और कोई फिर जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बन जाते हैं, दास दासी भी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितना समझदार बनाता हूं। विश्व के मालिक बन जाते हो, ये लक्ष्मी नारायण समझदार हैं तब तो विश्व के मालिक हैं। अभी तुम तो सब बातों में कहेंगे ड्रामा। ड्रामा में जैसा जिसका पार्ट भरा हुआ है, बनी बनाई बन रही,
अब कछु बननी नहीं। ड्रामा में सभी का पार्ट है, परंतु ड्रामा को आगे नहीं रखना होता है। आगे क्या रखेंगे? पुरुषार्थ को आगे रखना है, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, जो बीत गया सो ड्रामा। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो खाना खा लेंगे, ऐसे कोई सोचता है क्या? खाने के लिए कभी नहीं सोचेंगे कि ड्रामा में होगा तो खा लेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना पड़ता है, होता वही है जो ड्रामा में होता है। बाप कहते हैं कि ड्रामा में जो कुछ होता है वो सब कल्याणकारी, कुछ भी अकल्याणकारी होने वाला नहीं है। बच्चों को कितना हम समझाते हैं समझते नहीं है, इसमें मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। हर एक अपने अंदर देखिए, मेरे अंदर कोई खामी तो नहीं है? माया बहुत कड़ी है, जो माया है उसको कैसे निकालें? माया माना जो पांच विकार भरे हुए हैं, पांच विकारों की जो कट चढ़ी हुई है जन्म जन्मांतर की, उस जन्म जन्मांतर की कट को कैसे निकालें? सभी खामियां निकालनी है, कोई खामी रह न जावे, बिल्कुल पवित्र बन करके वापस जाना। बाप कहते हैं बांधेलियां सबसे जास्ती याद में रहती, क्यों? बंधन में है। एक तरफ कहते हैं निर्बंधन पंछी ऊंचा उड़ेगा, इस पक्षी को कोई बंधन ना हो वो ऊंचा उड़ेगा, या पिंजरे में रहने वाला पंछी ऊंचा उड़ेगा? निर्बंधन ऊंची चाड़ ही चढ़ता है, और बंधन में बंधा रहने वाला तो उतनी उड़ान नहीं भर सकता। फिर यहाँ कहते हैं कि बांधेलियां सबसे जास्ती याद में रहती है, उसका मतलब हुआ कि बांधेलियों की याद की पुरुषार्थ जास्ती होता है, बाकी सेवा का पुरुषार्थ कर्मणा सेवा या वाचा सेवा उतनी नहीं कर सकती। फिर भी चार सब्जेक्ट है ना, ज्ञान योग सेवा और दिव्य गुण, इन चारों ही सब्जेक्ट्स में जो याद में ज्यादा रहता है वो लास्ट में फास्ट चला जाता है। इसलिए बोला कि बांधेलियां बहुत याद में रहती है, सेवा नहीं कर सकती,
परमाणा सेवा नहीं कर सकती, वाचा सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि उनको बंधन है। धन की सेवा नहीं कर सकती, परंतु याद में तो रह सकती है। मन को तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो अंदरूनी पुरुषार्थ है। तो सबसे जास्ती याद में बांधेनिया रहती है, इसलिए अंत में जब रिजल्ट निकलता है तो पता चलता है कि बहुत अच्छा पद पाते। जितना मार खाती है उतनी ही जास्ती याद करती है। कहते भी है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जिसके ऊपर बहुत दुख पड़ता है, बहुत मार पड़ती है, बहुत याद आता है। जरूर अंदर से निकलेगा हाय शिव बाबा, ज्ञान होकर शिव बाबा, ज्ञान युक्त होकर शिव बाबा को याद करती है ना। बांधेरियों का चार्ट याद का बहुत अच्छा रहता है। ऐसे जो मार खा खा कर आती है बहुत मार खाती है, बहुत तंग हो जाती है, तो आखिरी नाती का अंत हो जाता है। और जब आती का अंत होता है तो छुटकारा मिल जाता है। ऐसी ऐसी मार खाकर जो आती है वो फिर अच्छी सर्विस में लग जाती है, फास्ट गति से अच्छी सर्विस करेगी। अपना जीवन ऊंच बनाने के लिए अच्छी सेवा में लग जाती है। अगर वो सेवा न करें तो उनकी दिल खाती रहेगी। ये पहले भी बंधन में थे तब तो हमने सेवा नहीं कर पाई, और अभी बंधन मुक्त हुए भी हैं अंत में तो भी सेवा नहीं करेंगे तो हमारा पद क्या बनेगा। उनकी दिल टपकती रहती है, हम कैसे सर्विस पर जावे। बल समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस तो बहुत होती है। तो सेंटर की परवाह न करके प्रदर्शनी की सेवा में भी भागना चाहिए। जितना हम ज्ञान रत्नों का बहुतों को दान करेंगे उतना बल हमको मिलता जाएगा और खुशी बढ़ती जाएगी। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? खुशी मिलती है, और खुशी संगम युग का खजाना है। इसे छोटे से संगम युग में जो जितना खुश रहता है वो उतना अपना जन्म जन्मांतर के भाग्य बनाने की शूटिंग कर लेता है। बाप होते हैं देखो ये मेरा बच्चा सबसे बुल है, सबसे उन बच्चों को बाप याद करते हैं। लौकिक में भी कोई बच्चा बहुत दुकान संभालने वाला होता है, धंधा दोरी संभालने वाला होता है, तो बाप उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं। तो यहाँ भी बाप सेवाधारी बच्चों को बहुत याद करते हैं। कोई होशियार समझने वाला आ जाएगा, समझाने वाला
इतना होशियार नहीं होगा तो भी बाप प्रवेश करके सेवा करेंगे, दृष्टि देंगे, ज्ञान सुनावेंगे। बाप खुद आकर के बच्चे का सहयोग करते, तो बच्चों को दिल से सेवादारी बन जाना चाहिए। दान जरूर करना है, और ये है तुम्हारा अविनाशी दान। वो धन दौलत किसी को देते हैं तो वो धन दौलत ही विनाशी है, उसका दान भी विनाशी हो जाता है। और ये ज्ञान रत्नों का दान तो अविनाशी दान है, सच्चाई का दान है। सच्चे बाप आकर के ये ज्ञान रत्न देते हैं, बाप के अलावा और कोई के पास ये सच्चे सच्चे रत्न नहीं है। तो बाप के दिए हुए इन सच्चे रत्नों का हम दान करेंगे तो वो आत्मा जो लेने वाली है वो जन्म जन्मांतर के लिए सच्ची बन जाएगी। कहते हैं सच तो बिठो नच, जो जितना सच्चा होगा वो जन्म जन्मांतर उतना उसी में नाचता रहेगा, क्योंकि अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। जिनके पास ये अविनाशी ज्ञान रत्न होंगे वो ही दान करेंगे। बच्चों को बाप को बैठे हुए देखने से सारी सच के आदि मध्यंत का ज्ञान आ जाना चाहिए। क्योंकि बाप है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, जैसे आम का बीज हथेली पर आता है तो देखने से ही पता लग जाता है इसका झाड़ ऐसा होगा, इसके फल ऐसे होंगे, इसके फूल ऐसे होंगे। तो ऐसे ही जिनके सन्मुख वो बाप बैठ जाता है, आंखों में बाप की पहचान बैठ जाती है कि ये मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। मनुष्य सृष्टि के बेहद के बाप को आत्माओं के बाप ने अपनाया हुआ है। दो है बेहद के बाप, एक है हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। बिंदु बिंदु आत्माएं अविनाशी आत्माएं, उन आत्माओं को ज्ञान देने वाला, पहचान देने वाला, आत्मा की पहचान मिलती है ना, तो पहचान देने वाला आत्माओं का बेहद का बाप है। मनुष्यों का बाप आत्मा की पहचान नहीं देता। 500-700 करोड़ मनुष्य है इस दुनिया में, उन 500-700 करोड़ मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे सकता। चाहे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पहला ही मनुष्य क्यों न हो, जिसको कहते हैं आदम, एडम, आदिदेव, वो भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो भी जन्म मरण के चक्र में आता है। लेकिन उस मनुष्य सृष्टि के पिता में जो पहले पहले प्रवेश करने वाला सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप है, वो सबको आत्मा का परिचय देकर आत्मा का जन्म देता है। पहले तो हम अपनी आत्मा को जानते ही नहीं थे। जब जानते नहीं थे तो क्या हमारी आत्मा का जन्म हुआ ये हम कहें? हम तो शरीर समझते थे,
अपन को क्या समझते थे कि हम तो देह है, देह तो विनाशी होती है। तो विनाशी देह समझने के कारण हम जैसे तुच्छ बुद्धि, अभी तो हमारी बुद्धि में बात बैठ गई है क्या कि हम देह नहीं है, विनाशी देह नहीं है, हम क्या है, हम तो आजा हमारा विनाशी आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा जिसमें अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये हमारी बुद्धि में बात बैठ जाती है तो जैसे हमारी आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा का हमको परिचय मिला, तो आत्मा को जब आत्मा का अपना परिचय मिलता है फिर वो बाप को भी पहचान लेती है। बाप को कैसे पहचानेगी, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। चींटी का बाप कैसा होगा, चींटी जैसा ही होगा। सांप का बाप कैसा होगा, सांप जैसा लंबा ही होगा। तो आत्मा ज्योति बिंदु, तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु, और ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर जब आता है तो मनुष्य सृष्टि का जो पहला मनुष्य है उसमें प्रवेश करता है। वो तो जानता है इस मनुष्य सृष्टि की पहली पहचान लेने वाली आत्मा कौन है, पहले पहले परमधाम से उतरने वाली आत्मा कौन है। तो श्रेष्ठ बच्चे उसकी नजर में रहते, जो श्रेष्ठ बच्चे उसकी नजर में रहते हैं, बल है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दुनिया में कहीं भी फैले हुए हो, एक एक करके उन बच्चों को उठाता रहता। बच्चों को तो पता नहीं है हमारा कौन सा नंबर है, हम किस नंबर से ऊपर से नीचे आए हैं, लेकिन वो तो जानता है, उस हिसाब से उन बच्चों को उठाता है। पहले पहले किसको उठाता है, मनुष्य शक्ति का जो पहला मनुष्य जिसे सब धर्मों में मानते हैं। क्रिश्चियंस भी कहते हैं एडम सृष्टि का पहला मनुष्य, मुसलमान लोग कहते हैं आदम, बाबा आदम, जैनी लोग कहते हैं आदिनाथ, ऋषभदेव, और हिंदुओं में उसको कहा जाता है आदि। श्लोक भी बनाए हुए हैं शास्त्रों में हिंदुओं, तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य जगतस्य परमम निधानम, उस जगत के पालनहार में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, और प्रवेश करके इस सृष्टि की सब मनुष्य आत्माओं को नंबरवार ज्ञान देने का उपक्रम करता है। कब करता है, कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए मकान कब बनाता है, मकान पुराना होता है तो बनाता है। ये सृष्टि भी चार आयामों से पसार होती है, ये भी मकान है सतयुग, मकान सतयुग त्रेता द्वापर, और सबसे ज्यादा पुरानी हो जाती है सृष्टि कलयुग, तब बहुत दुख बढ़ जाता है। तो कलयुग के अंतिम जन्म में वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि में आता है, और सृष्टि का जो पहला मनुष्य है उसको उठाता है, फिर नंबर 12 और बच्चों को भी उठाता है, और वो बच्चे नंबर 12 सहयोगी भी बनते हैं। तो बोला कि जो बाप के बच्चे हैं नंबर 12, उन बच्चों को
बाप को बैठे हुए देखने से ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाना चाहिए। सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए कि बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, जरूर ज्ञान का सागर है। सारी सृष्टि चक्र को जानने वाला है, ये ज्ञान दुनिया के मनुष्य मात्र के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है। क्या मनुष्य गुरुओं ने तो जो सुनाया सो शास्त्रों में ही लिखा हुआ पुराना ज्ञान सुनाया, कोई नई बातें तो सुनाई नहीं। और भगवान बाप जब आते हैं तो शास्त्रों की पुरानी बातें नहीं सुनाते, बिल्कुल नई बातें आकर सुनाते। और रोज रोज आकर के कुछ न कुछ नए नए ज्ञान के पॉइंट देते हैं। ये ज्ञान जो भगवान आकर के देते हैं, ये ज्ञान कब पुराना बनता ही नहीं। क्या जब तक ये दुनिया रहेगी ये ज्ञान नया का नया ही रहेगा, क्योंकि नित नई बातें सुनाते रहते हैं। ब्रह्मा के तन में आए तो भी नए नए पॉइंट्स मिलते रहे। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या नई बातें नहीं सुनावेंगे, तो भी नई नई पॉइंट सुनाते रहते। ब्रह्मा के रूप में जो ज्ञान सुनाया वो तो ऐसे सुनाया जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ की गोद में पालना लेते हैं, माँ जितना पढ़ी हुई होगी पढ़ाएगी, ऊंची पढ़ाई पढ़ाएगी, ऊंचे क्लास की पढ़ाई माँ थोड़ी पढ़ाती है। फिर बच्चे बड़े होते हैं, ऊंचे स्कूल में जाते हैं तो टीचर बदल जाता है ना। तो यहाँ भी ऐसे तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होता है, बाप जो ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा ने बड़ी माँ, माँ ने माँ, सारी सृष्टि की बड़े से बड़ी माँ, माँ जितना सहन करती है उतना और कोई संबंधी सहन कर पाता है। तो ब्रह्मा के रूप में भगवान ने बच्चों को जन्म दिया और पालना की बहुत सहन शक्ति की। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं होगा दुनिया में जो ये कहे कि ब्रह्मा बाबा ने हमको टेढ़ी नजर से देखा या बाबा ने हमको दुख तकलीफ दिया। हमको बाबा से परेशानी हुई, दुनिया की और माताएं नंबर वार दुखदाई हो सकती है लेकिन भगवान जब माता के रूप में आता है तो कोई भी ऐसी एक्ट नहीं करता, कोई भी ऐसी वाचा नहीं बोलता, कोई भी ऐसी लाल पीली आंखें नहीं करता जो कोई बच्चा ये समझे कि बाबा ने हमको दुख दिया। इस बात की गारंटी है क्या, हर बच्चे ने ब्रह्मा बाबा से सुख अनुभव किया। तो कौन सा पाठ था वो? माँ का पाठ, साधारण माँ का नहीं, ब्रह्म माने बड़ी से बड़ी माँ का पाठ। परंतु माँ से ऊंची पढ़ाई तो मिलती नहीं है, माँ से बाप का वर्षा तो मिलता नहीं है, माँ सदगुरु का पाठ तो नहीं बजाती। लेकिन बाप कहते हैं
कि मैं जब बाप के रूप में आता हूँ तो बाप के रूप में तुम बच्चों को पालना भी देता हूँ, वर्षा भी देता हूँ, बाप के रूप में जन्म भी देता हूँ। क्या बाप के रूप में जन्म? कैसे? सिर्फ इतने कहने मात्र से ही जन्म हो जाता है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो? यो? पहले से तुम नहीं जानता थे कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तो तुमको पहचान दे दी कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, देह नहीं हो। तो तुम्हारा आत्मा का जैसे जन्म हो गया ना, परंतु ये तो सामान्य पहचान है। ये भी बिंदु आत्मा, वो भी बिंदु आत्मा, वो भी बिंदु आत्मा, 500 करोड़ सब ज्योति बिंदु आत्मा। तो ये कहेंगे कि हमको अपनी असली पहचान मिल गई? नहीं, ये तो एक सामान्य बात होगी कि सभी ज्योति बिंदु आत्मा। स्पेशल पहचान तब कहें, स्पेशल वर्षा तब कहे जब हर आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान हो। कम से कम 84 जन्मों में से जो पहला जन्म है जिसका शास्त्रों में गायन होता है 33 करोड़ देवताएं, उस जन्म का तो पता चले। मैं कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली देवता की आत्मा? तो बाप आकर के बच्चों को स्पेशल पहचान देते। जैसे अर्जुन को कहा, अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। तो ये काम किसका है, बाप का है या माँ का है? ये काम बाप का है। बाप हमको आगे के अनेक जन्मों की पहचान देता है। माँ के रूप में ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट बजाया, जो वाणी चलाई, उससे कोई भी आत्मा को अपने अनेक जन्मों का ज्ञान नहीं। और ज्ञान देने वाला भी कोई मनुष्य सृष्टि का पिता थोड़े ही है। ज्ञान देने वाला कौन है? सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप। वो आत्माओं का बाप पहले पहले अपने अनेक जन्मों की पहचान किसको देगा? है? पहले पहले किसको देगा? हाँ, जो इस मनुष्य सृष्टि का पिता है उसको पहले पहले अपनी पहचान देते हैं। तो अनेक जन्मों की जानकारी पहले पहले राम वाली आत्मा, फिर और आत्माओं को नंबर बांट देती है। तो दो बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि। वो मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु, सुप्रीम आत्मा बाप के रूप में भी पार्ट बजाती है, टीचर के रूप में भी पार्ट बजाती है, और सदगुरु के रूप में हम बच्चों की सदगति भी करते हैं। सदगति पहले बुद्धि की करेगी या पहले शरीर की सदगति होगी? पहले बुद्धि की सदगति करेगी। बुद्धि जो हमारी जामड़ी हुई पड़ी है, बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं है। वो बुद्धि आकर के ऐसी बनाता है, ऐसा तरीका सिखाता है कि बेसिक नॉलेज में ही जो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया गया ना, उस नॉलेज लेने वालों में ही नंबर वार निकल पड़ते हैं बुद्धि के तीक्ष्ण पार्ट बजाने वाले। बुद्धि का वरदान बाप आकर के देखे। तो कहते हैं आत्मा रूपी स्त्री की सारी कट उतर जाने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। ऐसे नहीं ब्रह्मा के द्वारा सीखोगे। किसके द्वारा सीखोगे? डायरेक्ट बाप के द्वारा सीखोगे।
ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट बजाया वो तो कृष्ण की आत्मा ने बजाया, बाप के रूप में जो पार्ट बजाते हैं वो पार्ट तो राम वाली आत्मा का, इसलिए उन्होंने बोला राम बाप को कहा जाता है। क्या बोला? राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाता है। माताएं भी घर की चबाहर दीवारी के अंदर रहती है या बाहर की दुनिया देखती है? ज्यादा घर की चार दीवार के अंदर रहती है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा का पार्ट भारत के अंदर पार्ट बजाने का, क्या भारत माता का पार्ट हो सकता है? क्या भारत माता का पार्ट जगत माता का पार्ट हो सकता है? क्या चाहे भारत की माता हो चाहे जगदम्बा के रूप में जगत माता हो, कृष्ण की सोल ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा सो विष्णु भी बनती है भारत माता के रूप में। इसके लिए गायन भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ही घर है। और वो आत्मा ब्रह्मा के रूप में जो दाढ़ी पूछ वाला रूप हुआ है उसकी पूजा होती है? पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, तो फिर क्या वो आत्मा की पूजा नहीं होगी? पूजनीय पाठ नहीं बजाएगी? पूजा होती है पवित्र की। दाढ़ी पूछ वाला है तब तक पवित्र नहीं कहा जा सकता, इसलिए वही ब्रह्मा की सोल जब शरीर छोड़ देती है तो कोई माता के तन में प्रवेश करती है। जिस माता के तन में प्रवेश करती है उसके द्वारा वो जगदम्बा के रूप में ब्रह्मा उग जाती है। इसलिए मुरली बोला है ये ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है। क्या बोला मुरली? ये ब्रह्मा तुम्हारी वास्तव में जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? तो ओम राधे सरस्वती को पार्ट ये जगदम्बा के रूप में तुम पार्ट बजाओ। वास्तव में यही ब्रह्मा जब शरीर छोड़ते हैं तो जगदम्बा के रूप में संसार में पूजा लेने योग्य पार्ट बजा। तो बोला कि मैं आकर के तुमको अनेक जन्मों का वर्षा देता हूँ, उनमें से 21 जन्मों की बादशाही मेरे द्वारा। 21 जन्म माना सतयुग त्रेता में जो भी तुमको सुख मिलेगा वो सुख मैं आकर के वर्षा देता। उसके बाद द्वापर युग में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म, ये 63 जन्मों का वर्षा लेने के लिए तुम खुद निमित्त बनते हो। कैसे? यहां जो जितनी पढ़ाई पढ़ते हैं भगवान बाप आकर जब पढ़ाते हैं तो जिन्होंने जितनी पढ़ाई पढ़ी जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ की प्रारब्ध तो 21 जन्म में मिलेगी, लेकिन जो पुरुषार्थ करने का अभ्यास पक्का हो गया, कोई तीखा पुरुषार्थ करने के अभ्यासी हो जाते, कोई धीमा धीमा पुरुषार्थ करने के अभ्यासी हो जाते, तो वो अभ्यास फिर द्वापर और कलयुग में काम आता है। वहां का वर्षा मैं नहीं देता हूं, यहां जिसने जितना पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करने का अभ्यास अपने अंदर पक्का कर लिया वो आत्मा द्वापर कलयुग में उतना ही तीखा पुरुषार्थ जन्म जन्मांतर कर जन्म लिया और तीखा पुरुषार्थ किया उसी जन्म में, बहुत दान पुण्य किया,
क्योंकि ज्ञान तो यहाँ लिया है ना कि जितना हम दान करेंगे उतना हम ऊंचे बनेंगे अगले जन्म। तो यहाँ के ज्ञान की प्रारब्ध फिर वहाँ पुरुषार्थ के रूप में अनेक जन्मों तक तिरसठ जन्म भी मिलती रहती है। जैसे कोई कोई हुए हैं बहुत तीखे चले गए, क्या एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन गए, जैसे बाबर था। बहुत छोटा सा व्यक्ति था, अपने बाप का बच्चा, साधारण घराने, और क्या बन गया, सारे भारत का सम्राट बनकर के बैठ गया। तो ये पुरुषार्थ के संस्कार उसने कहां से भरे होंगे, संगठन में भरे होंगे। ऐसे शिवाजी थे, शिवाजी के पिता औरंगजेब के राज्य में एक छोटे से अहुदेदार, और शिवाजी ने इतना पुरुषार्थ किया कि जो हिंदुस्तान का सम्राट था औरंगजेब उसके टक्कर लिए, ना पहुंचने चबा दिए, औरंगजेब उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये सामना करने की शक्ति उन्होंने कहां से भरी, संगम में भरी। तो ढेर सारे ज्ञान की बातें हैं जो मंथन करके हम बच्चे नई नई बातें निकाल करके अपने जीवन के ढेर सारे जीवन चरित्र निकाल सकते हैं। वो ज्ञान का प्रभाव है। और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि बनती कब है, जब ब्रह्मा के द्वारा शिव भगवान ने हमको बेसिक नॉलेज बताया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो और मैं तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा। वो प्रैक्टिस उस समय जितनी जिन्होंने फाउंडेशन के पीरियड में कर ली कि मैं स्टार आत्मा हूं, मेरा बाप स्टार है, उस बिंदु की याद में जो जितने टिके उनकी आत्मा सूक्ष्म बन जाती। बुद्धि कैसी बन जाती है, सूक्ष्म बन जाती। सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान ज्यादा टिकेगा या स्थूल बुद्धि में ज्यादा ज्ञान टिकेगा, सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान ज्यादा टिकेगा। इसलिए बोला कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट जब उतर जाएगी बिंदु को याद करते करते, तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे, डायरेक्ट बाप को पहचानोगे। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन ऐसे थोड़े ही है कि बाप चला गया, नहीं, बाप तो मुरलियों में बोला है मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ खेलेंगे और साथ साथ घर वापस ले जाऊंगा। तो बीच में कैसे चले जाते, नहीं नहीं कभी कुछ कहते हैं झूठ बोलने वाले तो इस तरह का झूठ बोलते हैं, कभी कहते हैं कि ज्योति बिंदु बाप ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में आते हैं, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके फिर वो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा को धारदादी में प्रवेश करता है, ऐसे ऐसे कहते हैं। लेकिन मुरली में तो बोला है मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में आता ही नहीं, मेरा तो सूक्ष्म शरीर बनता ही नहीं है,
मैं तो हल्की फुल्की ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मेरा अगर सूक्ष्म शरीर बने तो स्थूल शरीर में भी आना पड़ेगा। न मेरा सूक्ष्म शरीर है न मेरा स्थूल शरीर, मैं तो सदैव ज्योति बिंदु हूँ। उस ज्योति बिंदु रूप को जिन बच्चों ने याद किया बेसिक नॉलेज में, उनकी बुद्धि इतनी तीखी हो जाती है कि वो तीक्ष्ण बुद्धि से जब उनको एडवांस कोर्स दिया जाता है तो मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचान लेते हैं। उनकी ज्योति बिंदु आत्मा की कट जैसे बेसिकली सारी कट उतर गई, तो उन्होंने बाप को पहचाना और डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। बाकी ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा के तले में शिव बाबा आता था तो चला गया। अपने को निर्धन का समझते हैं, लेकिन बाप कहते हैं तुम्हारा तो तभी दोरी आया हुआ है, जब तक ये संगम युग है तब तक तुमको बाप अपने साथ ही साथ परम धाम ले जाएंगे, तुम भी साथ ले जाएंगे। तो वंडरफुल नॉलेज है जो बाप ही बताते हैं। कोई कितना भी बड़ा साधु संत महात्मा हो, वो सीढ़ी के डाके पर ऊपर नहीं चढ़ सकते। 84 जन्मों की सीढ़ी है ना, कोई कितना भी साधु संत महात्मा हो लेकिन 84 के सीढ़ी के डाके सीढ़ियां ऊपर नहीं चढ़ सकते, जब तक उनको ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में न बैठ जाए। सिवाय बाप के मनुष्य मात्र को कोई गति सदगति दे नहीं सकता। 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, कोई को गति सदगति नहीं मिलती। कब तक? जब तक बाप का स्वरूप बुद्धि में न बैठे, बाप का पूरा परिचय बुद्धि में न बैठे। ब्रह्मा का परिचय बुद्धि में बैठ जाए तो भी ऊपर नहीं चढ़ सकते। हाँ, बुद्धि को वरदान मिल जाता है, क्या बुद्धि सूक्ष्म बन जाएगी, उस सूक्ष्म बुद्धि से बाप को पहचान सकते हैं। बाप को पहचान लें और बाप को प्राप्त कर लें तो बाप से इतनी शक्ति मिलती है, दृष्टि की पावर मिलती है, एडवांस ज्ञान मिलता है कि वो आत्मा ऊपर चढ़ सकती। बोला कि न मनुष्य न देवता सदगति दे सकते, न कोई महात्मा सदगति दे सकता है, सिर्फ एक बाप ही है जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को गति और सदगति का वरदान देते। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होनी, क्या कहा चाहे कितने भी विघ्न बाधाएं आए, ईश्वरी ज्ञान है ना, बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत श्रेष्ठ रास्ता है, परंतु अच्छे रास्ते पर विघ्न भी बहुत आते हैं। तो बोला जितने भी विघ्न आए फिर भी तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, और तुम्हें कोई ज्यादा मेहनत भी करने की दरकार नहीं, क्या बहुत भाग दौड़ करने की भी दरकार नहीं कि ये प्रदर्शनी का तांगोल उठाओ, ये मेला करो, ये मलाकड़े करो, ये कॉन्फ्रेंस करो, एक पैसा भी खर्च करने की दरकार नहीं। जो सामने आए उसको बाप का परिचय देते रहो। हाँ, ईश्वरी ज्ञान से वंचित हो गए वो तो अपने परिवार के सदस्य थे, तो अपने परिवार के लोगों को, अपने घर के हाथी हैं, उनको तो ज्ञान सुना नहीं। बाप ने कहा था प्रभात फेरी में, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र, ये दोनों चित्र ट्रांसलाइट के होने चाहिए।
टाइम के लिए बताया प्रभात फेरी। प्रभात फेरी क्या होती है? प्रभात कब होता है? प्रभात तब होता है जब ज्ञान सूर्य उदय होता है। तो जब ज्ञान सूर्य उदय होने का टाइम आए उस समय ये सीढ़ी का चित्र और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र ट्रांसलाइट का तैयार हो जाना चाहिए, हर एक के पास हो, उसके चेहरे से ही आंखों से ही जैसे वो लक्ष्मी नारायण का चित्र झलक रहा हो, बुद्धि में पूरी बात बैठी हुई हो कि लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं। ज्ञान में चलने वाली आत्मा के सन्मुख ही कोई आवे तो 84 जन्मों की सीढ़ी का दर्शन करने लगे। सीढ़ी की कोई ऐसी चीज हो जिससे चमक आती है वो तो स्थूल बिजली है, लेकिन कोई आंखों में कोई कोई की आंखों में ऐसी चमक दिखाई पड़ती है कि बिजली का काम करती हो, है? नहीं दिखाई पड़ती। देखो क्राइस्ट का चित्र देखो, महात्मा बुद्ध का चित्र देखो, गुरु नानक का चित्र देखो, उनकी आंखों से ही ऐसे चमक आ रही है। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो बाप की याद में रहकर ऐसी चमक ऐसी बिजली धारण कर सकती है। आगे चल करके सब बच्चे नंबरवार अनुभव करेंगे कि जो भी आत्मा सन्मुख आवेगी और एक सेकंड की दृष्टि लेने से ही ज्ञान में सरेंडर सरेंडर। नहीं तो दुनिया इतनी बड़ी है, एक एक को बैठ करके साथ साथ दिन ज्ञान सुनाओ तो भी उनकी बुद्धि में बैठे बैठे न बैठे, लेकिन आगे चलकर की ये करिश्मा होगा कि दृष्टि देने मात्र से ही उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठे। तो स्लोगन भी बोलते गए क्या कि सन्यासी उदासी कभी राजयोग सिखलाए नहीं सकते, राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई मनुष्य मात्र सिखाए नहीं सकता। एक सदगुरु निराकार से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। राजयोग एक परमपिता परमात्मा ही सिखाए रहे भागीरथ द्वारा, उसके द्वारा भागीरथ किसे कहे? भाग्यशाली। भाग्यशाली रथ हार्ट फेल होकर के मरेगा क्या? अरे उसका हार्ट मजबूत बनेगा या हार्ट फेल होकर के मरेगा? जो याद में रहने वाले हैं उनकी याद की ताकत से हार्ट मजबूत होता है या हार्ट कमजोर होता है? मजबूत। हार्ट तो और ही दिन दूना रात चौगुना मजबूत होता जाएगा। इतना हार्ट मजबूत होगा कि उनकी दृष्टि में देखने से ही उन लोगों को पावर मिलेगा, उनकी दो बातें सुनने से ही लोगों को ताकत भर जाएगी, उनके नजदीक आने से वाइब्रेशन मात्र से ही मनुष्यों को संघ का रंग लग जाएगा। एक परमपिता परमात्मा ही भागीरथ द्वारा राजयोग सिखलाए रहे हैं, ऐसी ऐसी आगे चल करके चारों ओर से आवाजें सुनेंगे। अभी तो गुप्त पार्ट बजाय रहा है ना, बाप पार्ट बजाय रहा है, वो गुप्त पार्ट बजाय रहा है या प्रत्यक्ष है? गुप्त पार्ट बजाय रहा है। जब सूर्य उदय होगा तो सूर्य प्रत्यक्ष हो जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा और अज्ञान अंधे विनाश। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। आठ तारीख हुई आठ अशोकनगर।
हाँ।